आइए, आपका स्वागत है एक और वीडियो में जो अम्बाला एब्रॉन का है, LCR रेजोनेंस। इसमें ऑसिलेटर बिल्ट इन है। ये ऑसिलेटर है जिसकी हम फ्रीक्वेंसी यहाँ से चेंज कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो 10x से, 100x से, 1000x से, और ये एम्पलीट्यूड इसका चेंज कर सकते हैं। इसमें एक सीरीज सर्किट है, ये सीरीज में तीनों रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर सीरीज में है, और इसमें पैरेलल है, एल और सी दोनों इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर पैरेलल में। इसमें दो मीटर दिए हुए हैं दोनों टर्मिनल के साथ, सॉकेटों के साथ, ताकि आप 10 वोल्ट एमीटर इसका जो है वोल्ट मीटर लगा सकें, और ये मिली एमीटर है इसका भी हमारे सर्किट में। मिली एमीटर यहाँ एक कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर यहाँ रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर बिल्ट इन, इसकी इंडक्टेंस बिल्ट इन दोनों में। यहाँ से आउटपुट इसकी आती है फ्रीक्वेंसी की, कितनी ऑसिलेटर, और वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले कैपेसिटर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया पॉजिटिव से, ये देखिए कैपेसिटर जोड़ दिया। इसके बाद मैं इसकी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, पर चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईजी करने के लिए हमने इसको टर्मिनल यूज़ कर दिए, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसकी बात करें अगर मीटर की, तो यहाँ मीटर में ये सीरीज में लगना चाहिए, तो यहाँ से मीटर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पे लग गया, ये आपका मीटर लग गया। और वोल्ट मीटर मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, एक वोल्ट मीटर ये दिखाया हुआ है वोल्ट मीटर इससे, और यहाँ से वोल्ट मीटर सेकेंड वाला, ये दोनों टर्मिनल से वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर से कनेक्ट हो गया ये वाला। अब देखिए दोनों कनेक्ट हो गया। अब हम ऑसिलेटर की बात करते हैं, ये ऑसिलेटर का साइन है, ये पॉजिटिव इस दोनों के आउटपुट से कनेक्ट होना है। ये पॉजिटिव को यहाँ से पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, और ये नेगेटिव को इससे नेगेटिव से जोड़ देते हैं। अब हम रेजोनेंस देखते हैं इस सर्किट की, हमारी कहाँ पे आती है। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ये देखिए इसकी रेजोनेंस आती है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, 4 mV का करंट जा रहा है, ये आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, तो ये आप दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट रीडिंग आएगी, 3.5 रहेगी, और कैपेसिटर को रेजिस्टेंस चेंज कर दी, तो यहाँ से अभी 4 से ज़्यादा आ गया। ये मिनिमम कितना आया, कहाँ पे आया, हमने इसमें सीरीज, ये हमारा ऑपरेटर्स मैनुअल है, LCR सीरीज इन पैरेलल, इसका प्रोसीजर क्या, इंस्ट्रूमेंट है क्या, थ्योरी है, रेजोनेंस सीरीज में कैसे होगा, ये सीरीज का सर्किट है, इसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी करंट एंड वोल्टेज तीनों नोट करेंगे। इसके अंदर ग्राफ जो है हमारा ऐसे बन के आता है, और अगर हम पैरेलल की है, इसमें दोनों ये पैरेलल है, इसको अगर हम चेक करेंगे और यहाँ वोल्ट मीटर मीटर लगा देंगे, ये एक्सटर्नल भी आप लगा के यूज़ कर सकते हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी करंट एंड वोल्टेज दोनों को करेंगे, तो इसका बिल्कुल रिवर्स इस टाइप का सर्किट है, वो ग्राफ आएगा। आप हमारे अगर वीडियो को अच्छा लगा हो, हमारा लाइक करिए। ये ईमेल है abron01@gmail.com, वेबसाइट है abronexports.com, व्हाट्सएप नंबर है 9416020018। ये हमारा सर्किट है, इसमें एक्सटर्नल आप भी लगा सकते हो, ये एक्सटर्नल भी आप यूज़ कर सकते हो, हमने इंटरनल दिया हुआ है, ये इसी के लिए सर्किट बना हुआ है। एक्सटर्नल यूज़ करेंगे तो ये पावर सप्लाई वगैरह कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि ये सर्किट में उस समय यूज़ नहीं होगा, सिर्फ ये सर्किट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह लगा हुआ। और हमारा विजिट करिए वेबसाइट, शेयर करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए, हमारे पे सारे इलेक्ट्रॉनिक के ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट फ्रॉम 8th-9th क्लास टू MSc लेवल और रिसर्च लेवल, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी है हमारे लिए, ऑडियो ऑसिलेटर भी इसके लिए हमारे पे अवेलेबल है। प्लीज़ विजिट वेबसाइट, थैंक यू वेरी मच।